माय डियर फ्रेंड, काफी टाइम से आप सजे हुए बैठे हुए हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस रिकॉग्निशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऑल एसलीपीएस मैनेजमेंट की तरफ से, फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से और सभी ग्रेट अपलाइन की तरफ से मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके पेशेंस की बहुत इज्जत करता हूँ, तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि काफी देर से आप लोग यहाँ सजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अभी जल्दबाजी हो रही होगी, आप लोगों को जाना होगा, भूख लग रही होगी, यस और नो? नो। तो भाई वीडियो बनाएगा पक्का? यस। नहीं यार, ये आंखों में लग रही है लाइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा आज दूसरी बार मैं वाराणसी आया हूँ और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एसलीपीएस यहाँ आई, कुछ लोगों ने डिसीजन लिया और उनके माध्यम से मुझे भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा थैंक यू ये है, सबसे बड़ा थैंक यू। अब यहाँ बहुत सारी बातें हुई, बहुत जोशीली बातें हुई, एक से एक फर्राट लीडर यहाँ पर देखे मैंने, एक से एक अच्छा बोलने वाले, जोश जगाने वाले और दिल से बोलने वाले लोग मैंने देखे। मुझे मालूम नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बड़े हल्के में आप लोगों को लेता था वाराणसी वालों को, इसलिए मेरा दूसरा चक्कर यहाँ है। बाकी हर जगह मैं 5-6 बार जा चुका हूँ, चाहे वो रायपुर हो, चाहे नागपुर हो, कोई भी स्टेशन हो, चाहे रोहतक हो, पर मैंने नहीं सोचा था कि वाराणसी वाले को मैं इतने, मैं सोचता था ठीक है काम कर रहे हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, पर इतनी अंतरात्मा से करते, इतनी शिद्दत से करते, इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मोहब्बत के साथ अभी तक विराजे हुए हैं, सजे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, साथ दे रहे हैं, पूरे शो को एक्साइटेड बना के रखे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तुम इंडिया तो बाद में हिलाओगे दुबे जी, मैं हिल जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकली हिल गया हूं और मुझे जो सबसे अच्छी, जो खूबसूरत बात लगी, जिसकी वजह से आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा, कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो शायद मैंने जिंदगी में कहीं नहीं बताया, महादेव की धरती पे उसके आज वो बातें मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है यहीं से हो रहा है, जो कर रहा है वही कर रहा है। हम तो इंसान है, उसके बनाए हुए पुतले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला परमपिता परमात्मा परमेश्वर होता है। मैं कुछ नहीं हूं, नथिंग हूं। मुझे सबसे जो खूबसूरत बात यहां पर ये लगी कि हर आदमी एक इमोशंस ले रहा है, एक फीलिंग के साथ बात करता है, एक सच्ची बात करता है। वाराणसी में आके बस एक ही बात अच्छी लगी कि यहाँ पर सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पहली बार कितने लोग आए, एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं चल रहा, नहीं नहीं जिन्हें मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये किस लिए फूल पत्ती माला बुके, ये बात मैं बाद में करूंगा कि ये सब क्या है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि एसलीपीएस की स्थापना कैसे हुई। ये राज मैंने आज तक किसी के सामने नहीं बोला कि एसलीपीएस बनी कैसे, ये सब कुछ इसमें हुआ कैसे, किसने बनाया, कौन है इसके पीछे, और प्रैक्टिकली इसके पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, कतई नहीं हूं, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे बनी। आप ही के पूर्वांचल से मैं 2007 में इस बिजनेस में आया था, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। 2007 में आने के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मैं भी थोड़े से मतलब ठीक ठाक मिडिल क्लास से था, लेकिन पैसे की नीड मेरी भी थी, सपने मेरे भी थे, सक्सेस मैं भी होना चाहता था। तो कोई भी एक कंपनी मिली कि भाई डायरेक्ट सेलिंग यहां पर कर लो, यहां पर काम करके बड़े पैसे कमाओगे। सर मैंने उस कंपनी में काम किया, 3 साल में मैंने वहां से 1.5 करोड़ रुपए कमाए, आंधी तूफान की तरह काम किया, मैं काम करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, काफिला बन गया, बड़ी टीम थी 40-50 हजार लोगों की। लेकिन मैं जो काम कर रहा था, मुझे पैसे आते थे तो मजा आता था, लेकिन जो मैं काम कर रहा था उसमें मजा नहीं आता था। प्रैक्टिकल वो ठगने वाली कंपनी थी, वो ऐसी घटिया चीजें बेचती थी, ऐसा ऐसा नुकसान लोगों का करती थी कि लोगों से नजरें मिलाने में मुझे शर्म आने लगी। गाड़ी मेरे पास, बंगला मेरे पास, पैसा मेरे पास, पर एक आम आदमी से नजर मैं नहीं मिला सकता था, जिसके 60,000 रुपए बीमे में लगाए, बेचारे को 30,000 रुपए मिले, वो कोई गरीब भी हो सकता था, बहुत बद्दुआ मिलती थी। तो आप ही की पूर्वांचल की धरती पर मेरा एक लीडर काम करता था, एक लड़का था फैजाबाद के अंदर, तो बेचारे एक छोटा सा कमरा लेके, जैसे नेटवर्कर लोग कमरा वमरा लेके मेहनत करने लग जाते हैं, बेचारे कहीं भी वो काम करता था। मैं महीने का 8-9 लाख रुपए कमाता था, लेकिन मैं उससे फोन पे पूछता था फैजाबाद में क्या चल रहा है। ये शेयर मैंने आज तक किसी से सामने कहा, संजीव सर ने प्लेटफॉर्म बनाया, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, शुरुआत यहां से हुई थी।
उस लड़के से मैंने बात की भी बेटा तेरा बिजनेस है भाई साहब, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? वो बोला सर बिजनेस क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना, दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उसकी टीम 1800 की होने के बावजूद वो बंदा जीरो चेक पे था और कह रहा था सर जो हम बेचते हैं लोग एक बार तो मोटिवेशन में खरीद लेते हैं, एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद वापिस फेंक के चले जाते हैं और मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाता है। और सर 1800-2000 की टीम बनाने के बावजूद भी आज मुझे मेरा कोई कैरियर है नजर नहीं आता है। दोस्तों मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उस लड़के ने जब ये बात की मेरी आत्मा तड़प गई, मेरा दिल तड़प गया, मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये बच्चा अपने घर से यूपी का रहने वाला था, बुलेट शहर का, फैजाबाद आके काम कर रहा है, इसे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आज भी इसे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, अपना कैरियर नजर नहीं आ रहा। वजह वो गलत कंपनियां, उनके गलत प्रोडक्ट, उनकी गलत नीति, उनकी गलत सोच। दोस्तों मुझे पैसे आ रहे थे लेकिन फिर भी मैं तड़प गया, कोई देखने वाला नहीं था उस दिन। एसलीपीएस कैसे बनी आज मैं आपको बताता हूं। मैं तो भाई साहब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं कि कंपनी अपने बना सकूं। वो तड़प वो टीस लेके मैं मेरे बेडरूम में गया, ना बच्चा देख रहा था ना बीवी देख रही थी, और ऊपर वाले से मैंने बात की कि हे भगवान मैं मानता हूं एक आम आदमी के लिए तूने दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया, रास्ता मुझे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बन सकता है गरीब से गरीब का, अनपढ़ से अनपढ़ का, बट हे परमात्मा हे परमेश्वर अगर तू मुझे कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दे देता या कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दे या कुछ ऐसा बेच दे तो दे दे जिसे मैं सामने वाले को बेच लूं, पैसे भी कमा लूं और वो खरीदने के बाद मुझे दुआ दे दे कि थैंक यू फॉर दिस प्रोडक्ट, पूरी दुनिया में मैं आग लगा दूंगा। तुम्हारी इसी महादेव की धरती से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भोले का भगत हूं। ये बात कहकर मैंने उसे छोड़ दी, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, मैंने कहकर छोड़ दिया, मैं अपने काम पे अगले दिन लग गया। लेकिन कब क्या हुआ कैसे हुआ, ये व्यक्ति ने पता नहीं कुछ ऐसी सोच बनी ऊपर वाले ने क्या खेल खेला, 4 लाख रुपए महीने के चेक पे उस कंपनी को रिजाइन दे दिया। मैंने कहा या तो साले तमीज में आ जाओ, अपने प्रोडक्ट बदलो, अपनी नीतियां बदलो, लोगों का पेट मत काटो, लोगों का दिल मत दुखाओ। वो बोला नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारी दादागिरी है। तो मैंने कहा मैं आज के बाद तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। और माय डियर फ्रेंड उसके बाद क्या होता है, ये संजीव कुमार बेरोजगार हो जाता है। मैंने कसम खा ली कि मैं जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करूंगा। 1 से 1.5 साल मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, लेकिन नेटवर्क लेके कोई आया तो मैंने भगा दिया। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के लोग गलत करते हैं आम समाज के साथ, लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों को तड़पा के पैसे कमाते हैं, ऐसे पैसे मुझे नहीं कमाने। बट फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कुछ अच्छा काम करके भी अच्छी कंपनियां भी हिंदुस्तान में हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मुझे कुछ आता तो नहीं था, मुझे पता था ये आम जनता साथ जभी दे सकती है, प्यार जभी दे सकती है, दुआएं जभी दे सकती है जब आप इस जनता के लिए कुछ करो। यस और नो? जनता सही के साथ रह सकती है, गलत के साथ जनता कभी नहीं रहती। मुझे खुद नहीं पता तू क्या करेगा, तो मैंने सोचा यार अब कुछ भी काम करना है, ऐसा काम करना है गाली नहीं खानी, बस लोगों का प्यार खाना है, लोगों का प्यार कमाना है, गाली नहीं खानी। तो मुझे ऐसा कोई काम ही नहीं मिला। आज आप देखो हम किसी सुनार के पास जाते हैं, सोना खरीद के लेके आते हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए बाहर निकलते गाली देते हैं, हाँ है ना, हरामजादे ने 10,000 एक्स्ट्रा ले लिए। मोबाइल खरीद के लाते हैं उसे भी गाली देते हैं, हरामजादे ने 500 एक्स्ट्रा ले लिए। इवन आलू खरीद के लाते हैं सब्जी वालों को भी कहते हैं कुत्ते ने 2 रुपए ज्यादा लगा दिए। मुझे समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है समाज का प्यार पाना, इतना आसान नहीं है लोगों का प्यार पाना। हर बिजनेस में लोग खिलाफ खड़े होते हैं, हर बिजनेस में आखिर मैं करूं तो करूं क्या। फिर एक बात समझ में आई, कुछ ऐसा ढूंढ संजीव कि समाज जिससे बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और वो परेशानी अगर तू दूर कर देगा तो 100% इस दुनिया में नहीं, इस जान में नहीं, उस जान में भी तेरा नाम होगा।
अरे सामी कहां से ढूंढी, कोई सोच सकता है? सोच के फिर भगवान को बोल दिया कि हे परमेश्वर कुछ दिमाग दे, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, जो मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, इस देश के लिए कुछ कर सकूं, इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे समझ आई मेरे चाचा एक्सपायर हो गए, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए। मैं घर पे गया तो उनका 3.5 लाख का बिल बना हुआ था हॉस्पिटल का। तो वहां पर मेरे चाचा के लड़के ने बताया, भैया पापा तो 3 दिन पहले ही मर चुके थे, पर इन हॉस्पिटल वालों ने झूठा वेंटिलेटर पे रखे कि जिंदा है 3.5 लाख का बिल बना दिया। पहली बार मुझे नहीं पता अभी भी ये कंपनी आएगी नहीं आएगी, बस एक बात पता चली, यार ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद मेरे पापा बीमार हुए, जिनके फेफड़ों में पानी भर गया था, टीबी की प्रॉब्लम बताई, डॉक्टरों ने दुनिया भर का पैसा दे दिया, और मैंने किसी से, एक बंदे ने बताया तू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे दे, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई मैंने एक कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मंगाए, मेरे पापा को दे दिए, जो बाप मेरा 9 महीने में ठीक होना था 1 महीने में ठीक हो गया। वहां से ये सोच उत्पन्न हुई कि यार इसका मतलब समाज में ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा दुख है। आज रातों रात किडनी फेल होती है, रातों रात हार्ट अटैक होते हैं, रातों रात लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, रातों रात लीवर खराब हो जाते हैं। और हर आदमी को जब दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो उसके पास एक ही जगह, वो है अस्पताल। हाँ है ना, अस्पताल। और आज हॉस्पिटल में सभी हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा, सभी डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगा, पर आज हॉस्पिटल जिंदगी देने वाले नहीं व्यापार करने वाले बने हुए हैं। मरे हुए आदमी से वेंटिलेटर पे पैसा ले सकते हैं। अगर किसी माता बहन को आज प्रेगनेंसी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तो इतने गिर चुके हैं कि 20-30 हजार रुपए के लिए उस औरत का पेट काट देते हैं, वो 2 ही बच्चों की मां बन सकती है, इतने गिर चुके हैं। अपोलो जैसा हॉस्पिटल दिल्ली, किडनी रैकेट पकड़ा जाता है, किडनी रैकेट। यहां से मैं अपने परिवार से सीखा कि इस दुनिया में बहुत बड़ा यह दुख है। अगर संजीव कुमार इसकी कोई मुहिम चले जाए, ये कोई सोच लाई जाए कि ये दुख दूर हो जाए, लोग ऐसे ना मरे, लोगों को बचाया जाए, लोगों के लाखों रुपए ना लगे, हजारों रुपए में उनका काम हो जाए, तो शायद इस समाज से तुझे प्यार मिल सकता है। दोस्तों मैं बड़े बड़े वेदाचार्यों के पास बैठा, अच्छे लोगों के पास बैठा, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा, संजीव कुमार जी अगर कोई व्यक्ति सच्ची नीति से, ईमानदारी से और नियत से इस भारत के आयुर्वेद को दोबारा बना के मार्केट में फेंक दे, तो एक कैंसर तक को खत्म कर सकता है। मुझे मतलब नहीं था ये पैसे से क्या देना है क्या रहा, मेरा पहला मकसद था प्रोडक्ट, कि जो दू ऐसा दू कि सामने वाला दुआ जरूर दे। और दोस्तों ये निर्णय लिया कि आयुर्वेद पे काम करेंगे, तो पहले मैंने सोचा ट्रेडिशनल काम करेंगे, लेकिन मुझे नेटवर्क की ताकत पता थी, मुझे नेटवर्क की पावर पता थी। मैंने फिर क्या किया कि इसी काम को नेटवर्क मार्केटिंग में डाला। आज आप लोग सोचते होंगे सर के प्रोडक्ट इतना रिजल्ट दे रहे हैं, पता नहीं क्या बनाया है, पता नहीं क्या डाला है, पता नहीं क्या किया है। मैं आपको सच्ची बात बोलता हूं, बिल्कुल अंतरात्मा से बोलता हूं, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले हिंदुस्तान में हजारों फैक्ट्रियां हैं, जो इन्होंने डाला है वो भी डाल सकते हैं, उन्हें भी फॉर्मुलेशन पता है, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सब कुछ बन सकता है। लेकिन एसएलपीएस का मैंने नहीं बनाया, एसएलपीएस का बनाया उसने, क्योंकि मैंने उससे मांगा था कि जो बेचू मुझे दुआ मिलेगी, लोग मुझे प्यार करें। हे परमात्मा ऐसी कोई बुद्धि, ऐसी कोई शक्ति देना, इनमें पानी सही, लेकिन उसने इन्हें अमृत बना दिया। ये एक ऐसा सच मैंने आज आपको बताया मेरे दोस्त, जो शायद मैं कभी नहीं बताता, किसी स्टेज से नहीं बताता, और बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए, लेकिन पहली बार मैंने बोल रहा हूं कि यहां पर इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस सच्चे मन से, नियत से, ईमानदारी से, जमीन से उस परमात्मा से मांगो, और उसे सच्चे मन से मांगो, वो सब कुछ देने को तैयार है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम ये लेके आ गए साहब, अब हमारा पूरी मार्केट में मजाक उड़ने लगा कि आए भाई सच बेचने वाले, लिक्विड में प्रोडक्ट बेचने वाले, एमएलएम करने वाले, इस नेगेटिव माहौल में एमएलएम करने वाले। मेरे दोस्त, मेरे सुचिंतक बोलते हैं, संजीव सच नहीं बिक सकता, धंधा करना है तो झूठ बोलना होगा। मैंने कहा धंधा करेगा भी संजीव, सच बेचेगा भी, सच बिकेगा भी, कमाएगा भी और कमवाएगा भी।
मैं भी भावुक हो रहा था कि मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, इस इंडस्ट्री में ये हो गया। लोगों ने कहा इतना देने की जरूरत क्या थी, अगर इंसेंटिव दे रहा था तो बोनस देने की जरूरत क्या थी, और बोनस दे रहा था तो रिवार्ड देने की जरूरत क्या थी, और रिवार्ड दे रहा था तो फैमिली टूर देने की जरूरत क्या थी। दोस्तों इस दुनिया में दुख तकलीफ वही समझ सकता है जो हम तकलीफों से निकला हो। मैंने भी बिजनेस किया है, मैंने भी आपकी तरह गली गली प्रोडक्ट बेचे, गली गली मेहनत करी है, मुझे पता है दुख क्या है। अरे इंसेंटिव आता है सारा खर्च हो जाता है, बोनस आएगा तो कुछ बच जाएगा तो घर वाले बोलेंगे चलो बेटा कुछ तो कर रहा है। विद फैमिली मैंने टूर इसलिए लिया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लेडीज, ये औरतें, माँ बहन, जब ये नेटवर्क का रात को 11 बजे जाता है तो गर्म खाना बना के देती है, इनका भी हक बनता है विदेश घूम के आने का। ये हमने किया, नहीं तो कंपनियां सिर्फ लालच बेच रही हैं, इधर से खड़ा होकर मोटिवेशन बेच रही हैं, सिर्फ जोश बेच रही हैं। और मैं जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ बात नहीं करता, फीलिंग के साथ बात करता हूं। लोगों ने कहा सरकार क्यों दी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा नेटवर्कर गोल्ड डायमंड बनके कार फाइनेंस कराने की जरूरत ना पड़े, कैश दे कार ले लाइब्रेरी फ्री। लोगों ने कहा सर आप इतना कैसे दे सकते हो, आप क्या कमाओगे। मैंने कहा दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान चाहे तो जान भी दे सकता है, पैसे भी देता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी पैसे नहीं कमा रही, ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। मैं ये कहता हूं लोग रुपए में 50 पैसे कमाते हैं, हम रुपए में 10 पैसे कमाते हैं, पर कमाते हम भी जरूर हैं। और आज बाजार की हालत बताता हूं, बाजार में जो कंपनी पहले हमारे खिलाफ खड़ी थी, बोले ये तो जाएंगे, इनके पास की कुछ नहीं है, ये इतना पैसा कहां से देंगे, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 20-30 साल पुरानी कंपनी इस SLPS के को फॉलो कर रही है, अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने कांपे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा ये SLPS कंपनी है या कोई एटम बम है। तो मेरे दोस्त ये तो हो गया कंपनी कैसे बनी, क्यों बनी। मैं कंपनी बनाना भी नहीं चाहता था, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं तो किसी कंपनी में जुड़ना चाहता था। मैंने वेस्टीज वाले को बुलाया, एमबे वाले को बुलाया, मोदी केयर वाले को, मुझे कोई शर्म नहीं आती सच बोलने में, सामी डायरेक्ट वाले को बुलाया, भाई तू समझा तेरा प्लान क्या है, FLP वाले को बुलाया, सबको बुलाया, सबका मोदी केयर वाले को प्लान देखा, प्रोडक्ट देखे, प्लान देखा, प्रोडक्ट देखे। मैंने वहां पर एक गंदी चीज देखी, नीयत अच्छी नहीं देखी। जो प्रोडक्ट अच्छी दे रही है वो पैसा नहीं दे रही, जो कंपनी पैसा दे रही है वो प्रोडक्ट के नाम पे रेत बेच रही है। मतलब कहीं ना कहीं सबकी नीति लोगों का खून चूस कर पैसा कमाने में थी। तो मैंने कहा जब मुझे रास्ता नहीं मिला, मैंने ये बात इसलिए की, जब आज प्रणव कुमार पांडे यहां लेटा था और कहा सर आपने रास्ता बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये इन लोगों की आत्मा ने बनवाया, इन लोगों की तड़प ने बनवाया। क्योंकि मैं तो कंपनी ज्वाइन करना चाहता था मेरे भाई, चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक प्योर नेटवर्कर था, एक अच्छा मोटिवेटर था, एक अच्छा ट्रेनर था, मैं किसी भी चीज को बेच सकता था, मैं कंपनी चलाना नहीं चाहता था। पर जब मुझे हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं मिली जो सच्ची नीयत से काम कर रही है, सबके पास लालच था, लालच था। और ऐसे दुखी लोग जो 10-10 साल 4-4 साल से बेचारे लगे हुए हैं, बस मोटिवेशन बेच रही है कंपनी, लगे रहो, खड़े रहो, हो जाएगा, जो नहीं होता था। फिर मैंने सोचा संजीव जब तुझे प्लेटफॉर्म नहीं है तो तेरे जैसे लाखों नेटवर्कर होंगे, लाखों आम आदमी होंगे, लाखों फ्रेशर होंगे जो कल यहां कैरियर बनाना चाहेंगे, जब तेरे लिए नहीं है तो उनके लिए भी नहीं होगा। चल तू झंडा उठा, मैं बनाऊंगा हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं दूंगा प्लेटफॉर्म लोगों को जहां पर खून चूस के नहीं लोगों का दिल जीत कर पैसा कमाएंगे, लोगों का दिल जीत कर भाई भाई लूट कर लोगों का प्यार कमा कर पैसा कमाएंगे। और आज तीसरे साल साबित हो चुका है कि SLPS पैसे नहीं कमा रही, लोगों का दिल जीत रही। और एक बात और याद रखना, कोई गया भी जाएगी, जब तक इस शरीर में खून की एक भी बूंद वो भी खत्म हो जाए, मैं भी चला जाऊं, तो इस कंपनी का ऐसा सिस्टम बना दिया है, 3 साल छोड़ देना, 30 साल छोड़ देना, 300 साल तक कोई शक्ति से नहीं ला सकती, क्योंकि भोलेनाथ महादेव ने की बनाई कंपनी है, परमात्मा की बनाई कंपनी है। खुले दिल से काम करना, कभी मत डरना, मन
में इतना सा भी मत लाना कि असली पे सिल सकती है। आप अब से पहले जब आप अच्छी तरीके की करोगे तो लोग दुश्मन नहीं होते क्या? अब से पहले लोगों ने जोर लगा लिया है, लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं कि भाई एसएलपीएस रुकने वाली नहीं है, एसएलपीएस मिटने वाली नहीं है। ये कंपनी मैंने खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए बनाई है, और लोगों की दुआओं के साथ वो कंपनी चलती है, उसका कोई माइकल वाला इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो एक छोटी सी बात। अब जो नए लोग आए भाई साहब, मैं उन्हें बता देता हूं दो चार बातें। देखिए जी, ये जो लड़कों को यहाँ इनाम मिल रहे हैं, ये जो भूखे मिल रहे हैं, ये जो नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, पता क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। काम होता है एक नंबर और दो नंबर का, पैसे दोनों तरीके से आते हैं, पर एक नंबर का काम करके सुकून की नींद आती है और दो नंबर का काम करके रात को नींद नहीं आती। तो ये जो हमारे फाइटर्स हैं, ये काम क्या कर रहे हैं कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। दोस्तों ये घर घर जाते हैं, हाँ बस ठीक, ये लोगों के घर घर जाते हो, उन्हें बताते हैं ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, मसाले आपको प्योर खाने हैं, कूट के खाने हैं, मिलावटी मसाले नहीं खाने, रेडीमेड नहीं खाने, सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, तो सर आपकी सेहत को कुछ नहीं होगा। पहले ये लोग बताते हैं, बताने के बाद कुछ लोग अपने जीवन में सुधार कर लेते हैं, जीवनचर्या में, ये अच्छा काम हो गया, बुरा काम हो गया, अच्छा काम, अच्छा काम हो गया। उसके बाद अगर कोई दुखी है, परेशान है, बेचारा सालों से बीमार है, तो हमारे लोग कहते हैं सर हमें भी ट्राई कर लो, पैसे तो आपको डॉक्टर को हॉस्पिटल को देने ही है, क्या पता एक बार हमें भी देख लो, और वो उन्हें प्रोडक्ट देके आते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं, लोग भाई भाई लुटते हैं। अब ये लोग जिंदगियां बांट रहे हैं, हाँ या ना? और बाजार के कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत बांट रहे हैं, मिलावटी पनीर, मिलावटी माया मावा, नकली दवाई, हाँ या ना? मिलावटी मसाले, हाँ या ना? तो दोस्तों अब ये बात बताओ, ये बिजनेस है या अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग है? ये बिजनेस नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के बीच में जंग है, ये मौत बांटने वालों और जिंदगी बांटने वालों के बीच की एक लड़ाई है। और अगर आप सब लोग यहाँ हमारा साथ देते हो ना, तो पैसा कमाने के लिए नहीं दोगे, लोगों को जिंदगियां बचाने के लिए दोगे। अंडरस्टैंड? ये काम हमारे लोग कर रहे हैं, इसके लिए क्या इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये सेलिब्रिटी है या नहीं है? अरे शाहरुख खान, सलमान खान जैसे दो पैसे के वो कुत्ते साले पेप्सी का ऐड करते हैं, जिस पेप्सी से लोगों का लीवर खराब होता है, लोगों की आंतें सड़ जाती है, हाँ है ना? जब उन कुत्तों को, उन कमीनों को हम सेलिब्रिटी बना सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सलूट कर सकते हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं, तो ये जो लोग जिंदगी बांट रहे हैं, इनके लिए कैसा हल्ला और कैसी ताली होनी चाहिए? किसी को जिंदगी देता है, हर वो आदमी सेलिब्रिटी है जिसे पैसा कमाने का मौका देता है, कामयाब होने का मौका देता है, हर वो आदमी सेलिब्रिटी है जो मौका देने के बाद कामयाब होने में उसका साथ देता है। और हमारे सब लोग यही काम करते हैं। अगर रियल सेलिब्रिटी की बात करूं तो हर एक नेटवर्कर दोस्त सेलिब्रिटी है। अपने आप को आप लोग जितने भी लीडर्स हो, कभी किसी सेलिब्रिटी से काम मत समझना, आप ही मोदी हो, आप ही योगी हो, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। और दोस्तों आखिर में एक छोटी सी बात, कई लोग समझते हैं तो फालतू के काम है, ये काम है, वो काम है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में कौन आदमी पैसे कमाना नहीं चाहता? कौन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता? कौन अपनी वाइफ को ज्वेलरी देना नहीं चाहता, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन क्या चाहत पूरी होती है? चाहत पूरी होती है? चाहत किसकी पूरी होती है? दो कैटेगरी की पूरी होती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा, वो पैसा लगा के पैसे कमा लेता है। जिसके पास एजुकेशन का टैलेंट है, वो एजुकेशन के टैलेंट से आईएएस आईपीएस बन जाता है। जिसके पास गाने का टैलेंट है, वो सिंगर बनके कमा लेता है। जिसके पास डांसर का टैलेंट है, डांसर बनके कमा लेता है। क्रिकेट का टैलेंट है, क्रिकेटर बनके कमा लेता है। बॉक्सिंग का टैलेंट है, तो बॉक्सिंग करके कमा लेता है। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म है, पैसे भी हैं, कामयाबी भी मिलती है, पर टैलेंटेड लोगों को या पैसे वाले लोगों को? लेकिन जिसके पास ना पैसा है, ना पढ़ाई है, ना डिग्री है, ना गाना गा सकता, ना कुश्ती लड़ सकता, ना सिंगर है, ना क्रिकेटर है, बूढ़ा हो चुका है, उम्र निकल चुकी है, अनपढ़ है, गवार है, उसके लिए इस कड़वी दुनिया में, इस पहाड़ी दुनिया में एक सिंगल रास्ता नहीं बनाया।
इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पूजा करता हूं, सल्यूट करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब इसे मानता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तू कितना पढ़ा लिखा नहीं पूछता, डिग्री है नहीं पूछता, तेरे पास पैसे नहीं पूछता, और एक आम आदमी गोरा है काला है नीची कास्ट का ऊंची कास्ट का तू कोई भी सही, अगर तेरे पास दम है सपने है अपने परिवार से प्यार करता है चाहते हैं अपने परिवार की खुशियां पूरा करना चाहता है तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें सेलिब्रिटी बना सकता है। बस ये एक छोटा सा मैसेज था, आप चाहो तो पकड़ लो, चाहो तो इसे लात मार दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ना आपकी मेहनत चाहिए, अंडरस्टैंड ना मैं आपको जोश दिलाऊंगा, ना मैं जुनून दिलाऊंगा, ना मोटिवेट करूंगा। हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी को आपसे, और लगता है नहीं मेरे पास ना पैसा है ना पढ़ाई है ना कोई टैलेंट है, तो ये जगह ही आपके लिए बनी है, यही जगह कोई पूजा करना है, इसी जगह पे प्रार्थना करना है, इसका सजदा करना। 4 साल में तुम अनटैलेंटेड लोग, अनपढ़ लोग, नीची ऊंची कास्ट जिससे भी तुम आते हो, सब यहाँ हीरो की तरह सेलिब्रिटी बन के आ जाओ। अंडरस्टैंड? और दोस्तों आखिर में एक बात, 100% मान चुका, समझ चुका कि वो मोदी यहां 4-4 दिन क्यों रहता है। क्योंकि अब समझ में आया कि मोदी ने एमपी बनने के लिए भोलेनाथ की धरती से ही क्यों चुनाव लड़ा। मतलब जिसे भी कामयाब होना है तो मोदी आए तो पीछे पीछे वो केजरीवाल भी आ गया, केजरीवाल आया तो पीछे पीछे अखिलेश भी रैली निकाल रहा है। कहने का मतलब सबको पता है बनारस जीत लो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगा। क्योंकि भाई कोई शक नहीं कि ये बदलाव की धरती है, ये नई सोच की धरती है, ये क्रांतिकारी धरती है। और मैं किसी पार्टी विशेषक पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं हम हिंदुस्तानी लोग झूठे लोगों का साथ देते हैं। शाहरुख खान के कहने से पेप्सी पिएंगे, सलमान के कहने से रेमी डाल खाएंगे, ये साथ छोड़ो। तुम जब जब सच का साथ दोगे तुम्हें बदलाव मिलेगा अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में। आज तक तुमने झूठ का साथ दिया, ये उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश था, इस बार आपने पहली बार सच का साथ दिया, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। एक संत का साथ दिया, एक महात्मा का साथ, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पर जब जब इस जनता ने सच का साथ दिया है, ईमानदारी का साथ दिया है, सच्ची नीति का साथ दिया है, नीयत का साथ दिया है, तो जनता के जीवन में बदलाव पक्का है। बहुत सारी कंपनियां आएंगी झोला उठा उठा के, कोई अंग्रेजी, कोई इंग्लैंड की, कोई अमेरिका की, कोई कहीं की, ये देख लेना क्या उनके पास सच्ची नीति है, नियत है। जब जब आप सच का साथ दोगे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, ये मैं आपको यहां से एहसास दिला रहा हूं। अंडरस्टैंड? तो थैंक यू बनारस के सभी फाइटर्स का, मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें काफी हल्के में लेता था, पर तुम बड़े मजबूत आदमी हो। और दुबे जी की एक बात अभी समझ में आ रही है, दुबे जी मैं मान चुका हूं, एक्सेप्ट कर चुका हूं, अब वादा वादा मत करो कि कंपनी पूरा हिंदुस्तान एक तरफ रहेगा, बनारस गाजीपुर रांची एक तरफ है। आपने वो दम बस इसे पहचानो, दमदार तरीके से फरारी की तरह अचीवमेंट लेनी है आपको, यहां पर फरारी की तरह साल साल के करोड़पति निकालो, यहां से इतिहास बनाओ, एमएलएम इंडस्ट्री का इतिहास कि एसलीपीएस से बेस्ट कोई कंपनी ना हो सकती थी ना है, और ये मेरी गारंटी ना हो। कितने यहां करोड़पति बनेंगे सबसे ज्यादा खुश मैं होगा, चेक में देता हूं, सबका पैसा टाइम से आता है या ना, प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है या ना, रोज क्वालिटी बढ़ेगी, रोज कंपनी बढ़ेगी, कंपनी में गाड़ियां बढ़ेगी, और जितने गाड़ी वाले आप लोग होंगे सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। फैमिली की तरह काम करेगी, हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूं, कोई एमडी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके लिए काम करने वाला उस कंपनी का एक मुलाजिम हूं। मेरी कंपनी का डायरेक्टर हर वो आदमी है जो इस कंपनी को जाके भी प्रमोट कर रहा है।
देंगे खड़े होके, उसके बाद एक बार माननीय अचीवर सजाएंगे यहाँ पर, उन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोस्तों सच्चे दिल पे हाथ रख के हम समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने लिए भी काम कर रहे हैं, और समाज को खुशियां बांटकर हमारे घर में खुशियां आ रही है। यस और नो?